हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेसिका गुप्ता हियर। तो मैं और गुनगुन यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारा खाना बनाना है। गुनगुन के पापा आने वाले हैं और मामा जी भी आने वाले हैं, साथ में खाना बना रहे हैं। तो गुनगुन मेरी मदद कर रही है और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग। आप सबको पता है कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता है, सरप्राइज है। बट आई होप कि केरल जैसा ही ट्रिप होगा ये। आप लोग ने मेरी केरल वाली ट्रिप देखी थी कितनी मज़ेदार थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपना दाल भात ठूस रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी और सारा पैकिंग मेरा बाकी था। सो हमारा हो गया है पैकिंग, सब कुछ रेडी हो चुका है। 2-3 सूटकेस भर गई है एंड आप लोगों ने देखा था वीडियो में खाना बना रहे थे, मैं और गुनगुन मिलके खाना बना रहे थे। अभी मुनमुन थोड़ा सा लेटी है, उसको तबीयत थोड़ा सा डाउन हो रहा है। मैंने दवाई लेकर आई, इसको इंजेक्शन दिलवाया। टिंकू सो गया है, इनके पापा अभी आने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताई थी कि वो बाहर गए हुए हैं तो वो कल रात को आए हैं, बट अभी आज चले गए थे ऑफिस सुबह सुबह, तो उनको समय नहीं मिला कि मैं आप सबसे मिलवा पाऊँ उनको। लेकिन अब कल मिलवाएंगे, कल अभी निकल ही रहा है ना पिकनिक के लिए, तो कल फिर अपन उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे, मेरे पति देव से। तो मैंने ना इसमें पूरा मेरा स्किन केयर और मेकअप का सब कुछ भर दिया है मैंने, और इसमें है मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तब हम कहाँ जा रहे हैं, कब निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में पता चलेगा, चल ही जाएगा। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग, अभी जाना मत, अभी इधर ही रहना। अभी पतिदेव आएंगे, खाना देंगे, सोएंगे, अभी बहुत टाइम है। सो ये देखो मेरा इतना सामान फैला हुआ है, ये एक ट्रॉली है, ये दूसरी ट्रॉली है, ये दो बैग्स है एंड ये सब कुछ इधर फैला हुआ है। ये इधर फैल के सोई है। कर ली बेटा, कर कर, क्या कर रही थी, कर कर ना, हॉल क्लीन कर ली, सेट कर ली पूरा, जा आप सो जा, सुबह जल्दी उठना है अपने को। सो रही है। इस साल दो पीटीएम हुए, हम दोनों पीटीएम में गए। पीटीएम कर रही है। दो एग्जाम के रिजल्ट थोड़े से भी नहीं पता मुझे, मेरा वाला एग्जाम का पता है क्योंकि मैंने स्कूल गई थी तो मुझे दिखा दिया। टॉप कर गई है लड़की, तो 91% आए हैं, टॉप कर गई। ये देखो इधर कितना सामान फैला है मेरा, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। तब आप लोग ना मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपको अब व्लॉग्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा अच्छा सीनरी आपको मिलने वाला है। और अब मैं आपको मिलूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मैंने कद्दू और आलू की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, सबको खाना दे दिया मैंने, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती है कि कहीं भी जाना है पिंकी तो तुम खाना बना के खा के ही घर से निकला करो तो दिन अच्छा जाएगा, मतलब घर से खा के जाओ ना तो ऐसा बोलती कि सब जगह खाना मिलता है। तो मैं बस खाना वाना बच्चों को दे दी, पति को दे दी और मैंने भी खा लिया था, दो दो रोटी सब लोग खा लिए, बर्तन वगैरह धो दिए क्योंकि कहीं भी जाना है तो घर भी क्लीन करके ही हम लोग जाते हैं कि कहीं से भी गंदा ना रहे, कहीं कुछ चीज़ की बदबू ना आए। और मैं सच में बता रही हूँ ना कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि हस्बैंड ने बताया ही नहीं है। पिछले एक महीने से मैं और तीनों बच्चे अकेले रह रहे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अकेलेपन से। तो हस्बैंड ने ये ट्रिप प्लान करी कि तुम्हारा माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा अच्छा फील होगा। वैसे तो दिल्ली जाना ही है छठ पूजा में, लेकिन उसके पहले ये हमारी ट्रिप है। आई होप कि ये ट्रिप हमारी यादगार रहे। यहाँ टिंकू आया पानी लेने के लिए, आज पापा जैसा शॉर्ट पहना है। टिंकू कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है और ट्रिप भी अचानक से ही प्लान हुई है मेरी, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ब्लॉग के एंड में बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। और मेरी दोनों बेटियाँ पीछे बैठे थे, हम लोग क्या क्या खा रहे थे, हमारे मुँह चल रहे थे, और बाप बेटा आगे बैठे हुए थे, मामा जी गाड़ी चला रहे थे, मामा जी हमको छोड़ने आए। हम लोग मुंबई की तरफ तो बस निकल चुके थे मुंबई की तरफ, ये रास्ता वहीं जा रहा था, बाप बेटा आगे बैठे हुए आप देख रहे हो, और हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे ट्रिप होगी। तो हम लोग पिछले 2 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अब तक हम लोग नहीं पहुंचे, और हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सरप्राइज देने वाले हैं, इतना पता है कि हम घूमने जा रहे हैं लेकिन घूमने कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता है। तो आई होप कि हम जल्दी ही पहुँच जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम कहाँ पर है। मुंबई की तरफ टिंकू सो गया है, टिंकू के पापा जागे हैं। मुंबई की तरफ का रास्ता है लेकिन मुंबई में हम
देव की लास्ट मोमेंट शॉपिंग चल रही है, मतलब अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, उसके पहले उनकी शॉपिंग चल रही है क्योंकि वो आए कल ही है ना बाहर से, तो उनको समय ही नहीं मिला शॉपिंग करने के लिए, तो अब रास्ते से शॉपिंग चल रही है उनकी। कहाँ गए मामा जी गाड़ी लेकर? ले ले ना पानी का बॉटल गुनगुन, और कुछ छोटा नहीं है गाड़ी में, कैसे जाएगा इतना सारा चप्पल? आया कैसे था? एक बार चप्पल दी मुझे। आप ही तो बड़े लाल वाला लेके आओ। अच्छा। चलो डालो किसी तरह। मतलब कि हमने देवू गांव तक लेके आए तक आ गए। हम यहाँ पर आए हैं। पीछे ले जा सकते, चलो हाँ आगे मैं 10 मिनट रुको, मैं कॉल करूँगा फिर। ये तो आर्मी है, कैंप जैसा लग रहा है, आर्मी कैंप जैसा लग रहा है। आर्मी कैंप में क्यों लेके जा रहे हैं भाई? तो हम आ गए हैं अभी, पता नहीं हम आर्मी कैंप में आए हैं, पर यहाँ हम क्या घूमेंगे हमें नहीं पता है। लेट्स सी, अब हमने एंट्री तो कर ली है इसके अंदर, और इस ब्लॉग को यही एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं। आई होप केरल जैसा ट्रिप होगा ये वाला भी हमारा, बस आप सब साथ रहिएगा, साथ में खूब इंजॉय करेंगे। बाय बाय।